दोस्तों नमस्कार। एक सवाल जिसकी गूंज हर जगह से है, एक सवाल जिसके पीछे 500 सवाल है। ये सवाल वर्तमान का तो है ही, पर न जाने कितने भविष्यों का सवाल है। सवाल ये है कि 70% या 3 साल की प्रैक्टिस वाला नियम, उसका क्या होगा? बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है अब ऐसा ही रहेगा, कोई किसी नई कलम के इंतजार में है और कह रहा है कि मई के बाद जून जुलाई में कुछ हो सकता है। किसी की उम्मीद माननीय सर्वोच्च न्यायालय से है और अनगिनत बच्चों की लंबी फहरिस्त कि अब हमारा क्या होगा, कि अब हम क्या करें। फैसले का भरपूर सम्मान करते हुए और इस बात को स्वीकार करते हुए कि आपके साथ जो हुआ है वो असहनीय है, वो पीड़ा, वो दुख, वो बिना लड़े मिली हार, वो अपने आप को साबित करने का मौका छीना जाना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना कि कोई हुकूमत, कोई फैसला, कोई फरमान, कोई तानाशाही आपके हाथ से छीन सकती है, पर आपके भाग्य से नहीं। जिस अदृश्य शक्ति ने आपका निर्माण किया है उस पे भरोसा रखे, क्योंकि वह इतनी कमजोर नहीं कि छोटी विपदाओं से आपके भविष्य को कमजोर बना दे। याद करिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, उनको तो 14 साल का इंतजार करना पड़ा था। आपकी लड़ाई तो केवल 3 साल की है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, चाहे हृदय को ताप दो चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पद से किंतु भागूंगा नहीं और वरदान मांगूंगा नहीं। अब सवाल यह कि क्या ये नियम बदलेगा? मेरा व्यक्तिगत मत यह है और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी। इसके सिवाय फिलहाल किसी भी अन्य रास्ते से सारी उम्मीदें समाप्त नजर आ रही है। मेरा इशारा आप लोग समझ चुके होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।